सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। गाते गाते फांसी के फंदे को चूमने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की पुण्यतिथि के अवसर पर मंडलीय कारागार स्थित उनके फांसी स्थल पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे स्थल पर मेले जैसा माहौल देखने को मिला। गौरतलब है कि आज ही के दिन 19 दिसंबर 1927 को आजादी के दीवाने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में सुबह 6:30 बजे फांसी दे दी गई थी। इस जेल में बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। आपको बता दें कि आई विश डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, यह वो अंतिम शब्द है जो गोरखपुर के जिला जेल में 93 साल पहले 19 दिसंबर 1927 को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी के फंदे पर लटकने से पहले कहे थे। बिस्मिल को काकोरी कांड में आरोपी बनाकर अंग्रेजों ने अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र रहरी, रोशन सिंह के साथ फांसी की सजा सुनाई थी। 1897 में शाहजहांपुर में पैदा हुए राम प्रसाद ने देश को आजाद कराने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी का दामन थामा तथा आजाद और भगत सिंह के साथ मिलकर अनेक ऐसे काम किए जिससे वह अंग्रेज की नजर में आ गए। 9 अगस्त 1925 को इन लोगों ने काकोरी नामक जगह पर ब्रिटिश हुकूमत के खजाने को लूट लिया था, जिसमें बाद में जांच होने पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र राहरी को सामूहिक रूप से फांसी की सजा सुनाई गई। बिस्मिल को फांसी के लिए गोरखपुर जेल लाया गया, जहां पर 19 दिसंबर 1927 को सुबह 6:30 बजे उनको फांसी पर लटका दिया गया। आजादी के इस दीवाने ने इसी जेल में अपने अंतिम दिनों में अपनी आत्मकथा के साथ कई किताबें लिखी थी, जिसमें देश के लिए बार बार कुर्बानी देने को कहा था। शनिवार को मंडलीय कारागार के शहीद स्थल पर यज्ञ हवन करके शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बलिदानी मेला के आयोजक बृजेश राम त्रिपाठी, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर राम धनी व भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा। भारत माता की, भारत माता की, भारत वीरों की, पंडित बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत माता की, राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे। दिसंबर 1927 को गोरखपुर की इसी जेल में भारत माँ के बेटे को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। काकोरी कांड के चार महानायक राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्रनाथ लाहड़ी समेत अनेक क्रांतिकारियों ने काकोरी के पास एक सरकारी खजाना को लिया था।
अंग्रेजों का आरोप था कि उन्होंने ट्रेन डकैती की, और हम भारतीयों का ये कहना है और क्रांतिकारियों का कहना है कि वो मेरा खजाना था, वो लूटकर अंग्रेज इंग्लैंड ले जा रहे थे, हमने अपने खजाने को लिया था। और उस 8,000 की लूट में अंग्रेजों ने लाख रुपए से ऊपर बर्बाद करके और उनको सजाए मौत करार दिया था, और आज उनका बलिदान दिवस है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को वो और उनके समेत सभी क्रांतिकारियों, बलिदानियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वो पहचान नहीं मिल पाई 15 अगस्त 1947 के बाद, जिसके वो हकदार हैं। आज भी भारत के संविधान में भगत सिंह को आतंकवादी करार दिया जाता है। जो देश के शहीद हैं, जिन जो लोग अपने प्राणों की आहुति देकर हमको, लाखों लोगों ने अपने बलिदान देकर जो हमको आज़ाद कराए, और आज जो मैं खुली हवा में सांस ले रहा हूँ, आज वो किताबों के पन्ने से दूर हैं। इतिहास भावी पीढ़ी जानती ही नहीं कि आज हम आज किसका दिन है और कौन मेरा आइकान है, कौन मेरा रोल मॉडल है। कैटरीना कैफ और सलमान खान के बाल और गाल तो बिकते हैं, लेकिन हमारे देश के नौजवान जो 16 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी, माँ बेटे परिवार को छोड़ दिया, आज़ाद भगत सिंह से लेकर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण लेकर संपूर्ण देशवासियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, तब जाकर हमको आज़ाद मिला। और ऐसे में बिस्मिल गोरखपुर में विस्मित हो, ये यहाँ की गोरखपुरवासियों को गवारा नहीं दे रहा था। इसी के कारण 11 वर्ष पूर्व गुरु कृपा संस्थान में अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव एक आयोजन समिति का निर्माण हुआ, जो क्रांतिकारियों के लिए वर्ष में उनके जन्म जयंती पर और उनके बलिदान दिवस पर और उनके खास व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती है। उसी में ये 15 दिन का पखवाड़ा चलता है। इसमें हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, जिम्नास्टिक, इस तरह से राष्ट्रीयता के भाव को जागृत करने के लिए खेल होते हैं, और सिंगिंग, डांसिंग, डिबेट, स्केचिंग, पेंटिंग, रंगोली इत्यादि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और आज इसी के अवसर पर जो ये 11 वर्ष का अनवरत आयोजन होता रहा, उसका लाभ ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने इसके कानों तक ये बात पहुँची कि आज़ाद देश में बिस्मिल कैद हैं, उसको मुक्त कराने के लिए उन्होंने ADG जेल चंद्र प्रकाश जी को भेजा, और जिसका परिणाम ये है कि आज 1,88,12,000 रुपये खर्च करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया। आप देख सकते हैं आज पूरे दिन मेला लगा। हम किताबों में पढ़ते थे शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, लेकिन देश में कहीं मेला नहीं लगता था। पूरे देश में का इकलौता और अनूठा मेला गोरखपुर में है, जो क्रांतिकारियों को समर्पित है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित है। आज हम सभी इस नाते बहुत प्रसन्न हैं कि इसी जेल में राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी आत्मकथा में 2 दिन पहले लिखे थे, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न इस कष्ट में निज ध्यान में लाऊं कभी, हे इस भारतवर्ष में सतवार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकार कर्म हो, मरते बिस्मिल रोशन लहरी अस्फाक अत्याचार से, होंगे सैकड़ों पैदा उनकी रुधिर की धार से, वक्त आने दे बता दूंगा तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये बिस्मिल के अरमान थे। बिस्मिल उच्च कोट के शायर, कवि, साहित्यकार और देशभक्त थे। और इस पूरे मेले के जो आप दृश्य देख रहे हैं, इसमें समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और जागरूक क्षेत्र की जनता इस आयोजन में अपनी महती भूमिका निभाती है। इसी नाते ये मेला धीरे धीरे एक शहर से उठता हुआ पूर्वांचल का मेला बन गया है, और इस पूरे समिति की उद्देश्य यह है कि इसको राष्ट्रीय स्तर का मेला हम लोग अपने अथक प्रयासों से, संयुक्त प्रयासों से इसको केयर करें। मैं आज के अवसर पर आप सभी का, जिन लोगों ने इस मेले के आयोजन में अपनी महती भूमिका अदा किया है और अपना अंशदान, गिलहरी दान किया है, सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहड़ी को मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी महानगर के कार्यकर्ता, काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की आज शहादत दिवस है। आज के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महानगर के सभी कार्यकर्ता जिला जेल स्थित उनके जहाँ पे उनको फांसी दी गई थी, वहाँ पर माल्यार्पण करके अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और आज के दिन सभी युवाओं को एक प्रेरणा लेनी चाहिए अपने महान क्रांतिकारियों से, कि हमारे महान क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपने जान न्यौछावर किया। हम सभी युवा उससे प्रेरणा लेते हुए आगे जब भी देश हित में जो भी कार्य आएंगे, हम सभी युवा उसमें आगे बढ़ चढ़ कर कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
आज 19 दिसंबर को अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की फांसी हुई थी। हम लोग बलिदान दिवस रूप मना रहे हैं, जहां मेला लगता है और उनके जो भी स्थल हैं, जहां रुकते थे, जहां ठहरते थे, जिसको ड्रीम बंद थे, फांसी जहां हुई थी, वो सब आम जनता के लिए प्रेरणा स्वरूप खुला हुआ है। आज ही के दिन 19 दिसंबर 1927 को देश के महान बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को इसी गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी। काकोरी कांड के महानायक थे। आज ही के दिन जहां गोरखपुर के जिला जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी, वहीं फैजाबाद के जेल में अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई थी और ठाकुर रोशन सिंह को प्रयागराज के जेल में फांसी दी गई थी। दो दिन पहले 17 दिसंबर को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा के जिला जेल में फांसी दी गई थी। ये सभी स्थान आज़ादी के बाद उपेक्षित थे और जिस परिसर में हम हैं, जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी आज़ादी के पहले अपने फांसी के पहले इस परिसर में रहा करते थे, ये परिसर भी देश के लोगों को के लिए खुला नहीं था, ये बंद बाउंड्री के अंदर बंद था। जब हम सबको ये पता चला तो इस बात को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के महाराज के संज्ञान में लाया और उन्होंने इस पूरे परिसर को देश के युवाओं के लिए एक तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने का काम किया है। आज के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भी इस प्रकार के जो तीर्थस्थल हैं, जो युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाले स्थल हैं, उसको इस प्रकार से विकसित करने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से उन्होंने देश के क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, ये स्थल हमेशा इसी प्रकार से मेला के लगता रहे, लोग आकर दर्शन करें, तीर्थस्थल के रूप में हैं और देशभक्ति का जज्बा और प्रेरणा लेकर के मन में जाएं, ताकि ये देशभक्ति का भाव अस्थायी रूप में देश के युवाओं को मिलता रहे।